ये है चंचल और वो देख रही है तेरे पता बिन। नहीं कोई सा सीरियल, तेरे बिन तेरे बिन पता नहीं कौन कौन देखता है बताइए कमेंट करो जल्दी से। सुनाना चाह रही आपको कि हाँ भाई हम कर रहे हैं। सो गाइस हाल फिलहाल तो मैं वेलकम बैक ऐसे तो नहीं करूँगी, कोई है एक जना तो मिसेंगे अभी तो प्रॉपर मैं बाद में आपको करती हूँ। हाल फिलहाल मैं कर रही हूँ नेल पेंट लगा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं किस सच धज के कहा जा रही हूँ और मेरे आस पास कुछ तो दिख रहा होगा मतलब कि पैकिंग तो किस लिए। वाह आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, इतनी बेवकूफ तो मैं हूँ नहीं तो आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। हाँ हम जा रहे हैं घूमने मतलब कि कॉलेज ट्रिप पे। सो पूरी डिटेल्स मैं और रितिका साथ में देंगे तो मिलते हैं आपको रितिका के साथ में। टू डिफिकल्ट टू लॉक कोई बात नहीं इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं यही लगा बहुत प्यारा वही गाइस मैं टेंशन में आ जाती थोड़ी। ओ शिट चार्जर पाओ तेरे साथ भी हुआ ना, सब छोड़ जाओ कुछ मत लेके जाना। मैं तेरे बिन के पागल हेलो गाइस गाइस तो हम लोग जा रहे हैं और आप किसी को हटा दो क्योंकि ये नहीं जा रहे तो थोड़ा वैसा हो गया कि आप हम नहीं जा रहे, हैव अ गुड जर्नी। हम दोनों जा रहे हैं, थैंक यू। नहीं हम दोनों मतलब कि हमारे ग्रुप में से हम दोनों जा रहे हैं। ओके गाइस बाय बाय, हम तेरे लिए लेके आएंगे ठीक है। और हैं क्या लेके आते हैं बड़े लोग, तुम्हें खूब सारी सस्ती सी एक पिन ला के दे देगी, छोटी सी टिकटैक वाली वो जो आती है ना टिक लगाने वाली, ऑलरेडी बहुत सारी गाइस देखो बस वही ला के दे देगी और क्या, एक और हो जाएगी एड ऑन मजे करना गाइस बस फुल ऑन। देखा चंचल क्या चाहिए, योगी योगी कुछ बोलना चाहेगी, हैप्पी जर्नी कैसे लग रहा है हम जा रहे तो अच्छा ही लग रहा होगा ऑब्वियसली, किस परेशान करने वाला कोई वैसे भी हम नहीं जा रहे यार, ये लोग नहीं जा रहे हैं, वैसे सीट्स कम थी तो इस हिसाब से ये नहीं जा रहे हैं और हमारा लक था कुछ पर बहुत एंजॉय करना। क्या योग्यता नेचुरल वाटर लग रही है तेरे को, कैंटी फॉल से हैं एकदम, स्नैप्स भेजना मेरे को बहुत सारी भेजना तेरे को। गाइस आपको क्या लग रहा है इसकी बात सुन के कि हम कहां जा रहे हैं, कैंटी फॉल गाइस प्लीज जल्दी से, नहीं चुप रे बताना नहीं कट कर दूंगी इसे, कैंटी फॉल ही बोला है मैंने, उनको नहीं पता लगेगा। हाँ गाइस तो आप गैस करो कि हम कहाँ जा रहे हैं और कमेंट करो जल्दी से कि हमारा कहाँ पे है गाइस, थंबनेल गैस करो, थंबनेल गैस करो बस, थंबनेल गैस करो। देख सकते हो वहाँ पे क्विंसी आ रही है और क्विंसी ने बोला था कि भाई मुझे ले लेना पूरा ठीक है क्योंकि मैं क्विंसी बदतमीज इधर देखते को इधर मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ ना, ये क्या एक पजामा ऊपर एक नीचे, बहुत भारी है प्लीज, फैशन पजामे को क्या हो गया, चुप रहे बेइज्जती कर रही हो यार, क्यों करती है प्यारी लग रही है, ये दोस्तों की बेइज्जती करते हैं ना गाइस और किसकी करेंगे बताओ, सही बोला वो दोस्त है जिसकी होती है। ने बोला था गाइस कि मुझे ब्लॉग में लेना ही लेना है, मैंने बोला था। तो बस अब क्विंसी हम ये और इसकी एक और बहन है, ये दोनों गुप्ता जी गुप्ताइन वो आ गई वहाँ पे, आपको हमारे साथ में ये दो दिखने वाले हैं ज्यादातर। ओके गाइस बाय बाय, गिफ्ट लेके आना ठीक है, एक टिकटक मिल लेके आ जाएंगे।
फ्रेश वाटर नहीं चाहिए और मैं कहा शॉर्ट्स ना, अरे यार तो शॉर्ट्स नहीं है। बाय 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 गाइस, चलो बाय मुझे कहना नहीं क्या। Let's go! गाड़ी में नहीं जा रहे गलत फैमिली गाइस आपकी, अभी रुको। ये शटल जैसी मतलब हमारे लिए वैन है और हमें बस कहाँ पहुँचा रही जल्दी बताना क्विंसी। हमें पहुँचाएगी पार्लर पे, पार्लर के पार्चर है। यस गेट पे, गेट पे गाइस, नहीं गेट पे पार्लर पे है। पार्लर गेट, पार्लर है रिसेप्शन और गेट है हमारा मेन गेट, मतलब बाहर निकलने वाला। तो गेट पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि गेट पे जाने के लिए आपको शटल पे बैठना पड़ेगा, मतलब बस में। तो या इस हम लोग जा रहे हैं इस वाली बस में घूमी घूमी और ये रहे सब लोग जो हम जा रहे हैं और मैम वहाँ पे है, हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने। और हम कहाँ जा रहे हैं वो अभी तक आपको मैं नहीं बताऊंगी, बताऊंगी पर आराम से बताऊंगी एकदम, ठीक है, डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद। गाइस हम जा रहे हैं, हाय पता नहीं रितिका ने कहाँ अच्छी सीट देखी होगी। गाइस हमें यही चाहिए था कि हम लोग ऐसे बैठे, कैसे बैठे मतलब कि हमारे दोस्त हमारे साथ रहे अपोजिट अपोजिट टीम में, थोड़ा सा तो एंजॉय कर पाए हम। हम अब मैं लगाती हूँ अपने पापा को फोन, पहले जब अपने पापा से बात करनी है तो रुक जाता है, मैं लगाती हूँ क्योंकि मिसकम्युनिकेशन होता है बहुत ज्यादा, मिक्सअप होता है। हाँ तो होता है गाइस, मतलब ये मम्मी को फोन आ रही है, मेरी मम्मी को फोन आ रही है, फिर इसकी मम्मी मुझसे कुछ पूछे, मेरी मम्मी मुझे कुछ बोल रही है, तो मैं ये दोनों की सुन नहीं पाती हूँ, तो इसी कारण सुन नहीं सकती है कभी भी। तो ओके गाइस आपको दिखाती हूँ हमारी बस, देख सकते हो आप। हम फाइनली जा रहे हैं, ये हमारी बस, हम थोड़ा पीछे पीछे हम थोड़ा पीछे शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे हो रही है एंट्री। कुछ कुछ बता दूँ आपको, पता नहीं क्यों रिवर राफ्टिंग के लिए हो रही है, मैंने एक कॉल खोल दी बट इट्स ओके, हम बताएंगे आपको। अभी हम रुके हैं एक चाय चाय पीने के लिए, चाय चाय रितिका, चाय चाय रितिका, डू यू वांट चाय चाय? नहीं चाय, नो चाय, क्यों भाई चाय तो पीनी पड़ती है, मैं सफर में चाय नहीं पीती, इतनी अच्छी जगह है देखो। अभी पहली शुरुआत हुई हमारे झूलों से, देख सकते हो इतना अच्छा गार्डन है, झूला है और क्या चाहिए, है ना रितिका, और चाय पीने के लिए मस्त सा। हाँ शुरुआत ये नहीं है, बात ये नहीं है, बट आप सोच सकते हो शुरुआत क्या क्या हो सकती है और आप मतलब ये तो मत देखो, ठीक है, बाकी बहुत सुंदर है। गाइज अभी हमें यार अभी हमारी आई है चाय और ये रही कुरकुरे खा रही है, ये हमारी मैम है सुनीता मैम और ये मीना मैम है, ये प्राची दीदी है, ठीक है हम चाय पीते हैं। आपकी आई है चाय वो भी बिना अदरक के, तो तुम खा लो पहले। रिद्धि सिद्धि रिसोर्ट, वाओ ग्रेट, मतलब मेरे खुद के नाम पे ही रिसोर्ट पे आ रहे हैं, वाओ वाओ थैंक यू थैंक यू। चाय पीने रुके, सही बोला चाय पे तभी रिद्धि सिद्धि था, तो अपन ऐसे तो नहीं घूम फिर के आ गए क्योंकि यहाँ पे झूला लगा हुआ है। हम दोबारा मतलब यहाँ आ गए हैं, मतलब मैंने अभी नोटिस किया कि हम जब बिट्स में गए थे तब हम यहीं आए थे, इसी रिसोर्ट में आए थे, मतलब मैं और हमारी वॉलीबॉल टीम और हमारी और भी दूसरी मोदी यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स टीम गई थी, तो हम यहीं पे आए थे। यहाँ पे बस चेंज हो गया कि यहाँ पे कांच लग गया, पहले यहाँ पे कांच वाच नहीं था बट थोड़ा अच्छा और रिनोवेट हो गया यहाँ पे। तो गाइस खाने में है दाल पनीर की सब्जी, बट पनीर नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे पनीर पसंद नहीं है, और ये मिक्स वेज सब्जी पता नहीं कौन सी, ये रही रितिका और ये रही क्विंसी और ये रहा सलाद और ये रही रोटी और ये रही हमारी रितिका, मतलब यहाँ पे दो रितिका है, ये गुप्ता है और ये राठौड़ है, बट मैं रीत बोलूंगी ठीक है, समझ जाना थोड़ा कंफ्यूजन ना हो ब्लॉग में। हमारा खाना खत्म हो गया और अब हमें मिल रहा है आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम के लिए चीयर्स करो, आइसक्रीम के लिए चीयर्स, चल चीयर्स कर जल्दी, चीयर्स। हम आपको बताते हैं 6 बजे गाइस और हम लोग रात बस से ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत बुरे थके हुए हैं क्योंकि हम ढंग से सोए नहीं है, ढंग से नींद नहीं आई और आंखें शायद सूज गई है मेरी थोड़ी सी यार, बड़ी बड़ी लग रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ अच्छी सी चीज। मैं
यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ का व्यू। और यहाँ पे कैफे भी बहुत सारे हैं, बट मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा फोन चार्ज नहीं है। और जब भी मेरा फोन चार्ज नहीं होता तब मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग कैसा बनाऊंगी, मतलब आगे का ब्लॉग कैसे बनाऊंगी। तो हाँ, मैं थोड़ा टिप्स ऐड कर रही हूँ, कितना अच्छा कैफे होगा। कोई बात यार, यहाँ के घर कितने अच्छे। देख सकते हो यहाँ पे इतना पास में बंदर है मेरे, और मैंने उसको हेलो करा, मैं देखा, मैं डर गई थी बहुत ही। उछल थोड़ी ना ले गई थी दूर से। हेलो, ये सारे कैफेज है और ये सारा व्यू है यहाँ का। कैफेज बहुत सारे, बट मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं है। ये मैं भूल चुकी हूँ आपको पहले ही, तो बस मैं जितना व्यू दिखा दी जाऊँ बहुत अच्छी बात है। बढ़िया, अगेन कैफे। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी टोकियो को इग्नोर करने का। और ये रहे सब लोग, हाय कर दो सब। ये रहे, सो गाइस, ये रही भारती। और ठीक है, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे है छोटी सी गली। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश आ रही है और हमारे व्हाइट शूज गंदे हो चुके हैं, मतलब मेरे इतने नहीं हुए बट फिर भी हो चुके हैं। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा रोड ऐसा, मैं बताती हूँ कैसा है। रोड थोड़ा कुछ ऐसा है, जहाँ पे हमारा होटल है वो हमें पता नहीं है, और होटल का नाम ही नहीं पता है। हाँ, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे मेरी फेवरेट कैंडीज भी दी गई, और कैप्स कितनी प्यारी लग रही है, मैं लूंगी जरूर। बट मेरे पापा ऑलरेडी बहुत सारी लाए थे जो गोवा गए थे तब, तो देखती हूँ। गाइस, क्या आप देख सकते हो यहाँ पे, क्या आप देखोगे, क्या जन्नत लग रहा है। वाओ, पता है कहाँ का व्यू है, ये हमारे होटल के सामने का व्यू है।